देख रहे हैं खिलाड़ी दोनों ही, ये देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हम की खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए इस समय अभ्यास बच्चे का ले लेते हैं एंट्री। आप देख रहे हैं ले लिया और इनको साथ से लेते हैं कोच साहब से मान से हम कहना चाहेंगे सुपर बात सत श्री अकाल। आज की प्लानिंग है थोड़ी प्लानिंग वधिया है गे ते बच्चे तैयारी च है तो आज दी टीम दी थोड़ी रणनीति की है गी ते कोच साहब कहंदे ने कि रणनीति यही है कि बच्चे घबराना कॉन्फिडेंस रखना हैगा क्योंकि खेल कॉन्फिडेंस दा ही होंदा है तो और कुछ नहीं होंदा बस कॉन्फिडेंस की ही हार और जीत होती है। ये गुरदत्त सिंह मान का कहना है। बड़ी अच्छा तैयारी करवाई जिसके कारण टीम इस मुकाम तक पहुंची है और हम एक और जो कोच साहब हैं उनसे मिलते हैं। सुपर बात सर, सुपर सर हाँ तो आप क्या कहना चाहोगे आज इस टीम के बारे में? सर ये जो मैच है लोहा और ये बिल्लुआ से रामपुरा का, ये दोनों जो टीमें हैं वो ऐसे कोचों की टीमें हैं जो बहुत अनुभवी कोच है जी सर। और ये जो ये बच्चे हैं ये काफी समय से लगातार प्रैक्टिस में हैं और इन बच्चों को ये भी अनुभव है कि ये जो मैच है ये हमारा ऐसा है कि हम यहाँ से कुछ ऐसे सीख के जाएंगे और एक नई जो दिशा है वो यहाँ से तय होगी इनकी बच्चों की। अगर जो बच्चा यहाँ से निकल जाएगा ना वो बच्चा आगे नेशनल में तक वो आगे जाएगा खेलेगा और उसका भविष्य यहाँ से आज शुरू हो जाएगा जी। तो सर ने बताया कि भविष्य आज से शुरू हो जाएगा यानी वो जिस भविष्य की ओर जाना है वह एक रास्ता है, एक सीढ़ी है, आपको सीढ़ी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी सीढ़ी तक आपको पहुँचना है। तो दोनों ही टीमें बराबर की है, शायद लगता है कड़ा मुकाबला होगा। हाँ सर ये मुकाबला है वो सर, एक गोल इधर होगा एक इधर होगा तो ये बराबर चलेगा लास्ट तक जहाँ तक हमारा अनुमान है कि कोई ऐसे नहीं है कि कह सकते हैं कि वन साइड मैच हो जाएगा, वो यहाँ चांस बहुत ही कम है क्योंकि जो कोच है वो ऐसे कोच हैं जो एक एक बिंदु पर नजर रखे हुए हैं और इन बच्चों को बता रखा है कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पे क्या करेगा। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार प्रकट करने के लिए। तो सर ने बताया कि दोनों ही टीमें बराबर की है, कड़ा मुकाबला होगा, संघर्ष देखने को मिलेगा और कोई टीम किसी से कम नहीं है और लोहा की जो टीम है या फिर बिल्लू रामपुरा की टीम है दोनों ही टीमें एक कड़ा मुकाबला बराबर का मुकाबला काफी रोमांच इस फाइनल में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बात, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इतना ही, जैसे ही मैच शुरू होगा हम आपको लाइव प्रसारण के जरिए पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।